Hello students, welcome to Tiwari Academy. In this video, we will solve question number 5 of exercise 10.4. Is question mein diya hua hai. Three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game while standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to Salma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Salma? तो स्टूडेंट देखेगा इस फिगर में हमने रेशमा सलमा और मंदीप को R, S और M पॉइंट से इस सर्कल पर दिखाया गया है जिसका कि सेंटर O है. O R जो है वो रेडियस है वो 5 मीटर होगा. O R इक्वल टू O S होगा 5 मीटर होगा एज वेल एज O M. अब इस फिगर में देखेगा R और S के बीच का जो डिस्टेंस है 6 मीटर है. इसी तरह से S और M के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 6 मीटर है. अब इस OK को हम X मान लेते हैं और क्योंकि OS is 5 रेडियस है 5 मीटर तो KX की जो वैल्यू होगी वो 5 माइनस X होगी. इस पूरी OS में से OK को माइनस कर दीजिएगा आपको KS मिल जाता है. और इस RK को हम ले लेते हैं Y वैल्यू ले देते हैं इस RK को तो हमने इसको Y ले लिया. अब स्टूडेंट्स इस फिगर में देखिएगा क्योंकि ये RS पहले हम इसको देख लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल को देख लेते हैं OKR एंड OKM को. इन दोनों ट्रायंगल में OK कॉमन हो गया OR इज इक्वल टू OM हो गया. और देखिएगा कि क्योंकि ये 5 मीटर ये 5 मीटर तो ये एंगल इक्वल होगा ORK इज इक्वल टू OKM होगा. दूसरा क्या है कि जो सेंटर है सेंटर से इस कोर्ट पर जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी. अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री होगा. वैसे भी दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो दिस KR विल बी इक्वल टू KM एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. इसी तरह से क्योंकि ये RSM हमारा ट्रायंगल हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया RS इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 6 मीटर SM के बराबर हो गया. और ये जो SK होगी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये RM को मतलब ये SK जो होगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी. ये हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके प्रूव कर सकते हैं कि RK विल बी इक्वल टू KM. तो इसका मतलब क्या ये भी 90 डिग्री होगा यानी ये 90 और ये 90 इसका मतलब OKR और SKR ये दोनों लीनियर पेयर होंगे. मींस दोनों का सम इज 180 डिग्री मींस OKS विल बी ए स्ट्रेट लाइन. तो ये हमने देखिएगा ये x माना हुआ है और ये 5 माइनस x हो गया. ये x आप ये x 5 माइनस x और इसको हमने क्या करना है इन दोनों ट्रायंगल के लिए OKR में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. इसी तरह से SKR में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो ये पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करते हैं यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव स्क्वायर मींस ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मींस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. इसी तरह से आर के एस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी बेस क्या है पाई स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज के एस. के एस यहाँ पर हमने क्या है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस इज 6 का स्क्वायर. सो वाई स्क्वायर को हम कह सकते हैं इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये जाके माइनस हो जाएगा माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों वाई स्क्वायर के इक्वल हैं तो हम राइट साइड को इक्वल कर सकते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर.
So 25 minus x square is equal to 36 minus ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का स्क्वायर होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी, यानी 5 का स्क्वायर 25, दिस विल बी 25 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, दिस लेफ्ट साइड इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 25 इधर ये आके प्लस 25 हो जाएगा, 36 माइनस ये हो जाएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 25 है, 25 प्लस 25 50 माइनस 36 14 इज 10x। तो हम कह सकते हैं कि 10x इज इक्वल टू 14 मींस x इज इक्वल टू 14 बाई 10, क्योंकि x 1.4 आ जाता है, यानी यहाँ फिगर में देखिए x 1.4 हो गया और 5 माइनस x होगा 5 माइनस 1.4, ये आ जाता है 3.6। अब RKS ट्रायंगल के लिए देखिए, राइट एंगल RKS ट्रायंगल में तो हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन देखिए डायरेक्ट हम कर लेते हैं कि y स्क्वायर प्लस, और ये साइड निकल के आई है 3.6 का स्क्वायर is equal to 6 का स्क्वायर, means y स्क्वायर is equal to 6 का स्क्वायर is 36 minus 3.6 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 12.96 आएगा, और ये वैल्यू सॉल्व हो क्या जाती है 23.04। so y will be equal to under root of 23.04, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 4.8 ठीक है मीटर आ जाती है। तो रेशमा और सलमा के बीच की जो डिस्टेंस होगी RM होगी, और RM इज इक्वल टू y प्लस y यानी 2y, सो इट इज इक्वल टू 2 इनटू 4.8 मींस 9.6। सो द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदीप विल बी 9.6 मीटर। Thank you for watching Tiwari Academy.